नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल पी भारत। जनपद गाजीपुर के लंका मैदान में महाराणा कुंभ का आयोजन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के द्वारा शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया, जिसमें अखिल क्षत्रिय भारतीय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह, जिला अध्यक्ष गाजीपुर राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर बालेंद्र सिंह, जनपद गोरखपुर, बनारस, भदोही, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर सहित पूर्वांचल के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, संगठन के राष्ट्रीय प्रांतीय जिला कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें इनके द्वारा शहीद परिवार को सम्मानित कर पूर्वांचल की धरती पर क्षत्रियों की ताकत दिखाने का कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश में चल रही रामचरितमानस तथा चौपाई पर विवादित बयान देने वाले को भविष्य में नसीहत देने का व विरोध करने पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से उखाड़ फेंकने का संदेश दिया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष बलेंद्र सिंह, संतोष सिंह, शैलेंद्र सिंह, आनंद सिंह गोलू, आनंद सिंह, अमित सिंह, आनंद मोहन सिंह आदि सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पुलिस दल बल के साथ मौजूद रही। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल P7 भारत। देखते रहिए P7 भारत, देखिए हमारी खास खबर। मैं आराधना सोलंकी, श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना मुंबई महिला अध्यक्ष, और आज यहाँ शहीदों के सम्मान में लंका मैदान गाजीपुर में उपस्थित हुई हूँ। और बहुत ही भव्य आयोजन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में रखा गया और बहुत ही अच्छा लगा। आज यहाँ पर गाजीपुर आप आई हुई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के क्षत्रियों को? यहाँ के क्षत्रियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि एकता लाइए, क्योंकि क्षत्रियों में एक ही कमी है जो कि एक मंच पर जल्दी से आते नहीं है। आज यहाँ पर काफी बृहद रूप से कार्यक्रम होना था, बृजभूषण शरण सिंह आने वाले थे, वो नहीं आए। ऐसे में कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी जो यहाँ पे लोग आए थे। हाँ, सभी को इंतजार था उनका और कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, बाकी ऐसी कोई खास कारण नहीं है जी। मुंबई में आप किस पद पे हैं? मैं मुंबई महिला अध्यक्ष, और हमारे महाराष्ट्र राज्य में 36 जिले, पूरे 36 जिलों में हमारी टीम अच्छा कार्य कर रही है। बाकी और कोई अपनी तरफ से आप संदेश देना चाहती हूँ समाज को? समाज को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि बहन बेटियों को आगे लाइए और उनको शिक्षा दीजिए अच्छा, और हर क्षेत्र में बहन बेटियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम में आए हैं, शहीदों का सम्मान भी किया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सम्मानित और पवित्र कार्यक्रम है कि भारत के क्षत्रियों की सोच सबसे पहले राष्ट्र प्रेम के प्रति, राम के प्रेम के प्रति, धर्म के प्रति है। जिसने राष्ट्र को अपना जीवन अर्पित किया उसे हम शहीद कहते हैं, और उसका सम्मान ही मेरे राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर शहीदों का सम्मान हुआ। बाबा, अभी आप मंच से जो रामचरित मानस और शूद्र की जो आपने व्याख्या किया है, क्योंकि रामचरित मानस हजारों साल पहले लिखी गई है, लेकिन अब उस पर जो है अब सियासत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये आप स्वयं कह रहे हैं कि इस पर सियासत हो रही है। जो धर्म को मानने वाला होगा वो उससे सर झुकाएगा, क्योंकि 500 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखी गई है, लिहाजा ये सियासत है, ये कुछ है नहीं। इस पर सियासत करने वाले लोग पहले गेरुआ झंडा ढो करके शासन में सब लिखते हैं। ऐसे में जो शूद्र की बात जो आपने कहा है उसको थोड़ा, शूद्र मैंने वेद मंत्र में कहा, ब्राह्मणस्य मुखम मासित बाहु राजन कृता हूँ तदस यद वैश्य पद्यागुण शूद्र हो जाता। मैं स्वयं में ब्राह्मण हूँ, मैं स्वयं में क्षत्रिय हूँ, मैं स्वयं में वैश्य हूँ और स्वयं में शूद्र हूँ। मेरे पांव शूद्र हैं, मेरा पेट वैश्य, मेरी भुजाएं क्षत्रिय हैं, मेरा मुख ब्राह्मण। मैं इसे धर्म मजहब को लेकर नहीं चलता, मैं स्वयं में गठित करता हूँ और मंत्र भी यही कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों को लेकर जो अपमान किया जा रहा है, फाड़ के फेंका जा रहा है मंत्री और नेताओं के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हिंदू धर्म के लोग नहीं है, ये दूसरे धर्मों में जिन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार किया है, जो आज भी दूसरे धर्मों की तरफ भाग रहे हैं, जो स्वार्थ लोलुपता में पड़े हुए लोग हैं, वही ऐसा काम करते हैं। ये हमारे जो अपने आत्मिक लोग हैं उन लोगों को भड़काने के। बागेश्वर बाबा को लेकर काफ़ी दिनों से काफ़ी हलचल मची हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो लोकहित में कार्य कर रहे हैं और उससे भारत की जनता और धार्मिक लोग संतुष्ट हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आडंबर नहीं होना। कार्यक्रम था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के द्वारा आयोजित गाजीपुर के लंका मैदान में महाड़ा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें कि शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया है, और यहाँ से आह्वान किया गया है कि उन शहीदों के नाम पर महाड़ा महाकुंभ का आयोजन
पूर्वांचल के हर जिले में आयोजित किया जाएगा। जी सर, शहीदों के सम्मान में उनके माता पिता भी, उनके परिजन भी आए थे, और जिस प्रकार से आप लोगों ने उन्हें सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य है कि राजनीति पूरे देश में हो, धर्म पर हो, चलेगा, लेकिन सेना के ऊपर कभी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। जिन लोगों ने जाति विशेष के नाम पर रेजिमेंट बनाने की कोशिश की है, उनको मैं इस मंच के माध्यम से उनको इस बात के लिए उनकी प्रताड़ना करता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई रेजिमेंट बनेगी तो शहीद रेजिमेंट बनेगी, ना कि अहिर गडेरिया इस तरह से कोई।